रामू, ये लो साहब स्पेशल चाय। क्या बात है, जल्दी दे दी। रामू, दिन ब दिन तुम्हारी चाय का स्टैंडर्ड गिरता जा रहा है। क्या हुआ साहब, शक्कर कम है क्या? शक्कर शक्कर और पानी है, दूध कहाँ है इसमें? शरबत है। क्या बात कर रहे हो साहब, आप दोनों दोस्त जब आते हो ना, हमारी चाय में नुक्स निकालते हो। आपको मालूम है, दूसरे लोग आते हैं चाय पी कर जाते हैं, ऊपर से बख्शीश देकर जाते हैं, और आप लोग हो कि भाषण देकर चले जाते हो। हम तुझे स्पेशल चाय के पैसे देते हैं, देते हैं ना? हाँ। और तू है कि चालू चाय से भी घटिया चाय पिलाता है? अब स्पेशल चाय है, कल छोड़ना है, कहीं और चाय पीते हैं। चल चल, ये ले पकड़ा अपना शर्बत। पैसे तो दे दो। अरे दे रहे हैं ना, रुक जा, ये ले, ये पकड़ पैसे। साहब छुट्टा नहीं है, बख्शीश समझ कर निकाल। ये ले घटिया चाय की बख्शीश। शुक्र है तुझे ये पैसे दे रहे, वरना पैसे भी नहीं मिलते। पैसे साहब, ये लो, भाषण मत दो, जाओ शरबत पिलाना बंद कर। हाँ ठीक है साहब, जाओ। ये लोग को खुद ही बख्शीश की जरूरत है, ये हमें बख्शीश क्या देंगे। हाँ साहब, चाय देता हूँ आपको। अरे यार, सुबह सुबह ऐसी चाय पिला दी, दिमाग खराब कर दिया यार उसने, खुद बना लेते। अच्छा अनिल, हाँ? रिसेप्शन के लिए लड़की देखना यार कोई। अच्छा लड़की चाहिए तुझे? हाँ। तुझे भी तो ब्यूटीफुल चिक चाहिए। अरे यार भेज किसी को, जैसे चल ले लो ना साहब। अरे नहीं चाहिए बेटा, ले लो ना साहब। नहीं, अरे नहीं चाहिए ना साहब, फूल। अरे नहीं चाहिए, अरे घर के लिए सही है साहब, ले लो ना साहब। अरे बच्चा नहीं चाहिए यार, आप ले लो ना, अच्छे फूल है घर के बैग में। अरे बेटा नहीं चाहिए, ले लो ना साहब, क्यों नहीं ले रहे साहब, अच्छे फूल बता इसको, बता फूल। अरे खुशबूदार, मैंने क्या कर ले यार। अरे यार नहीं, देख तू टाइम वेस्ट कर रहा है अपना। ले लो ना साहब। देख बेटा, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, और जो थी वह मेरी बीवी है, और उससे फूलों से सख्त नफरत है। ठीक है, अब जा किसी और को बेच के ले लो ना साहब, सुबह से बोनी नहीं हुई है, पूरा दिन कोठी में जाएगा, आप ले लो। अबे लगता है कि इसको पैसे की जरूरत है यार। अच्छा तू ले ले, मेरे पैसे चाय में खत्म हो चुके थे। मैं बात करता हूँ, रुको। अच्छा बेटा कितने का है? अरे साहब इतने सस्ते तो है 50। अरे थोड़ा कम करना, 50 रुपए नहीं चलेंगे। अरे साहब जान दे, 2 रुपए कम कर। 2 रुपया? अबे सब्जी मंडी में है क्या? 20 दूंगा साहब, 20 रुपए में। अरे 20 रुपए में इसकी तो ना फोटो भी नहीं आएगी, मैं तो आपको फूल दे रहा हूँ। फूल भी मिलते हैं बेटा, अगर तू चाहेगा सब मिलेगा, 20 रुपए दूंगा, चलेगा? अरे साहब थोड़ा चल, निकालना दे दे, चल मैं दे रहा हूँ 20 रुपए, दे रहा हूँ, दे रहा हूँ। अच्छा साहब, ये पकड़ थे। काम कर, मेरी तरफ से खुद रख ले। नहीं साहब, ये फूल मैं नहीं ले सकता, अगर मैंने ऐसा करा तो मुझे लगेगा कि आप ये फूल खरीदा नहीं बल्कि मुझे भीख दिए, और अगर मुझे भीखी मांगना होता तो मैं ये फूल नहीं बेचता। अच्छा चल एक काम कर, ये मेरी तरफ से तो किसी और को दे दे। मैं किसको दूंगा साहब फूल, इतने लोग हैं यार, किसी को भी दे दे। अरे आपकी ज्यादा पहचान होगी, मेरी किससे होगी साहब? अच्छा रहेगा आप। अच्छा रुक, वो लड़की बैठी है ना, वो लड़की साहब ठीक है, खुश हो जाएगी। अरे देना देना, चल चल चल, कोई नहीं, जा शाबाश शाबाश। वो जा तो रहा है यार। अरे यार चल चल। मैडम ये आपके लिए। ये किसने भेजा रे? वो साहब है ना, उन्होंने आपके लिए भेजा। मुए सलमान खान, मुए मेरे को फूल देता है, है, है? तेरा सत्यानाश हो रे। अरे अभी तुम लोग ना मेरे को पैसे नहीं देगा ना, तो मैं ना जोर जोर से कस कस के चिल्लाएगी, हाँ बीच रास्ते पे चिल्लाएगी कि मेरे राजा ने, मेरे चिकनी ने मेरा ना इज्जत उतारा। हाँ अभी पैसे निकाल, नहीं तो मैं लहंगा उठा के ना तेरे पीछे पीछे तेरे घर तक जाएगी, हाँ, और तेरे घर वालों को बताएगी, जोर जोर से बताएगी कि तेरा राजा की शादी करा दे, नहीं तो लड़की को बजाय हिजड़े को ना फूल भेजता है। अभी फटाफट पैसा निकाल, निकाल ना, रुक जा, दे रहे दे रहे, निकाल ले जल्दी। अभी सिसा नहीं है मेरे पास, पैसे दे दिया, कम से कम दुआ तो लेते जा। नहीं नहीं नहीं, वो तुम रख लो, तुम रख लो। मुए पैसा दे गया और दुआ भी नहीं लिया, हट। पता नहीं कैसे कैसे लोग आते हैं। हाय एक नया जोड़ा, यहाँ से तो मैं पक्का 501 लूंगी, पक्का।
परदेसी परदेसी जाना नहीं जाना नहीं जाना बड़ी मुश्किल से बच के आया उससे। लेकिन तुझे उस हिजड़े से दुआ लेनी चाहिए थी। कैसे दुआ यार? तू ही तो कहता है कि भलाई किया करो, देख लिया भलाई का अंजाम। उस बच्चे से फूल खरीदे तुमने और 5 मिनट में उसका हरजाना भी भर दिया। मेरे दोस्त भलाई करके भूल जा, यही भलाई तेरे बुरे दिन में काम में आएगी, देख लेना। अरे ऐसा कुछ नहीं, ये सब कहने की बातें। बज रही है क्या? मोबाइल की घंटी बज रही, उठा। अरे ये भी मैं बताऊं तुझे। हाँ डार्लिंग बोलो। डार्लिंग की भाड़ में कहाँ हैं आप, पहले ये बताइए। अरे बात क्या है, बोलो तो सही। मुझे आज फैसला करना है, किस घर में आप रहेंगे, मैं रहूंगी। अरे ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम, तुम्हें हो क्या गया है? अभी तक तो शक था, अब यकीन हो गया है। अब राधा के घर जाते हैं, खाते पीते हैं और यहाँ तक कि उसके साथ रहते भी हैं। ये सब बातें तुम्हें किसने बताई? ये फालतू बातें तुम्हें बताता कौन है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मेरा दिमाग नहीं खराब हुआ है, उसी आदमी ने कही है जो आपका जिगरी दोस्त है। और आपका जिगरी दोस्त अनिल कभी झूठ नहीं बोलता। तो ये सब बातें तुम्हें अनिल ने बताई है? हाँ। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके बाय। क्या हुआ? अबे देवदास की तरह क्यों खड़ा है? कुछ बोलेगा? एनी प्रॉब्लम? क्या हुआ? अनिल, मैं तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था, लेकिन तुम दोस्त नहीं दुश्मन हो, दुश्मन जो दूसरों के घरों में आग लगाते हैं। अरे तो क्या बोल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुमने राधा के बारे में मेरी बीवी को क्या बताया? कुछ भी नहीं। झूठ मत बोलो। मैं क्यों झूठ बोलूंगा यार, शायद भाभी झूठ बोल रही हूँ। शट अप, शी इज नॉट लायर, समझे? और तुम सिर्फ राधा के बारे में जानते हो, तुम्हारे अलावा ये बात मेरी बीवी को कोई बता ही नहीं सकता। मैंने तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त माना, लेकिन तुमने दोस्ती के नाम पर विश्वासघात किया है। अब भाई तुझे जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ यार, मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। तू मेरी बात समझ। मुझे कुछ नहीं सुना। मैं बोल रहा हूँ, मैंने कुछ ऐसे को अवे को अवे नहीं सुना। तुझे यही क्लियर करके जाना पड़ेगा। मुझे मेरी बात सुन, मैंने कुछ भी। अरे आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। दरअसल अभय को गलतफहमी हो गई निर्मला। बस बहुत हो गया, गलतफहमी मुझे नहीं तुम्हें है।
मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। अच्छा ठीक है, सच सच बताइए, आप राधा के घर गए थे या नहीं? हाँ गया था। यही सच्चाई जानने के लिए मैंने झूठ का सहारा लिया कि आपके दोस्त ने मुझे सब कुछ बता दिया और आपने अपने मुंह से ही कबूल लिया। क्या अनिल ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? नहीं, वो भला मुझे क्यों बताएगा? वो आपका दोस्त है, जिस बात के लिए आप मना करेंगे वो मुझे नहीं बताएगा। ये तुमने ठीक नहीं किया श्वेता, तुम्हारे एक झूठ की वजह से मैंने अपने दोस्त को थप्पड़ मार दिया। क्या? तो ये बात है। वैसे श्वेता को फोन करके जब आपने कुछ नहीं बताया तो इतना परेशान होने की क्या बात है? सच्चाई आंखें सामने एक ना एक दिन आ ही जाएगी और देखेगा वो खुद शर्मिंदा होकर आपके पास आएंगे। तुम ठीक कह रही हो निर्मला, लेकिन जब तक सच्चाई सामने नहीं आती तब तक तो मैं अपने दोस्त की नजर में गलत ही रहूंगा ना। कुछ समझ में नहीं आता। आज मैं तुम्हारी वजह से अपनी और दोस्त की नजरों से गिर गया, क्या सोचता होगा अनिल? तुम्हारे साथ साथ निभाने के लिए मैंने अग्नि के सामने सात फेरे लिए हैं, फिर भी तुम मेरे दुख में कभी शामिल नहीं हुई, उल्टा दुख देती रही। अरे इससे अच्छी तो मेरी दोस्त की दोस्ती है, जो दुख में हमेशा हौसला बढ़ाता है, एक नया रास्ता दिखाता है मुझे। तो ठीक है ना, अपने दोस्त से शादी कर लेते, कम से कम सात जन्मों तक सुख ही सुख मिलता। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अब कहाँ चल दिए? मुझे अफसोस हो रहा है कि श्वेता ने ऐसा किया, लेकिन अनिल मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि अभय भाई साहब ने तुम्हारे साथ ऐसा किया होगा। काश ये झूठ होता। नहीं भाभी जी, ये सच है। मैं गुस्से में अपने आपे से बाहर हो गया था और मैंने अपने जिगरी दोस्त पर हाथ उठाया। आज खुद को आईने में देखता हूं तो खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा हूं। मुझे माफ कर दो अनिल, इतने बड़े गुनाह का बोझ मैं अपने दिल पर नहीं उठा पाऊंगा मेरे दोस्त। चाहो तो मुझे 100 थप्पड़ मारो, जो सजा दोगे मैं उफ तक नहीं करूंगा, लेकिन मुझे माफ कर दो। और अनिल, अगर आज तुमने मुझे माफ नहीं किया ना तो मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। अबे देख अनिल, मैं श्वेता की बातों से उत्तेजित हो गया था और गुस्से में मैं अबे तुमने अपनी गलती मान ली है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? अगर सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। ये तो अबे मैंने और निर्मला ने कभी तुझे और श्वेता को अलग नहीं समझा। सबसे बड़ी गलती तो मेरी है, जो सच जानने की कोशिश में मैंने झूठ का सहारा लिया। मुझे क्या मालूम कि झूठ पे रखी इमारत इतनी कमजोर होती है कि आदमी अपने आप से माफी मांगने के भी काबिल नहीं होता। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आज ही पता चला, जब यहाँ आने के लिए मैंने अलमारी खोली तो मैंने उसमें अनाथालय की चिट्ठी देखी जिसमें राधा का जिक्र था कि आप लोग अनाथालय की अपाहिज लड़की का देखरेख कर रहे हैं। अनजाने में हुई गलती के लिए मुझे माफ कर दीजिए। और निर्मला भाभी, मैं आपसे तो नजरें मिलाने के भी काबिल नहीं हूं। रुक जाइए भाभी, उसे रोने दीजिए, आंसुओं से मन का मैल धुलता है। ये क्या कह रहे हो? ये मेरी छोटी बहन है, इस वक्त मजाक करना ठीक नहीं है। अरे मजाक तो इसने हमारे साथ किया है, इतना जो तमाशा खड़ा कर दिया। बस करो भाई, नहीं मिला तुम जाओ। अभी और
आंसुओं को जाया मत करो। श्वेता, हम सब ने तुम्हें माफ कर दिया। देखो ये तो ऊपर वाले का खेल है, इससे हम सब और करीब आ गए। करीब नहीं, हम सब एक हो गए हैं। अरे ये कहाँ गया? अरे तुम वहां क्या कर रहे हो? ये क्या है? खुद ही पढ़ लो। आज मेरे दोस्त ने मुझसे माफी मांगी। ये क्या भाभी, दिन में जमीन पर लिखा कि मेरे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा, और अब ये पत्थर पर आज मेरे दोस्त ने मुझसे माफी मांगी। अनिल को क्या बचपन में डायरी लिखने की आदत थी क्या? अरे आप जानो ना मेरे दोस्त, आज सुबह जो मिट्टी पे लिखा था वो तो तेज आंधियों में कभी भी मिट जाता, लेकिन जो चीज ये पत्थर पे लिखी गई है वो एक पत्थर की लकीर की जैसे, ताकि वो इतिहास में चल सके। सही कह रहे हो मेरे दोस्त, हमारी दोस्ती भी तो पत्थर की लकीर ही है। बिल्कुल।